का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैथ किंग में। अगर कंसेप्ट पे फोकस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर 15, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। देखो, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, तो इसको आज हम यहाँ जानेंगे पूरी अच्छी तरह से। इसको समझने के लिए मेरे साथ लेक्चर में, पूरे लेक्चर के साथ बने रहिए, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एट्थ क्लास में हमने चांस एंड प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ा था, सो वो टॉपिक ही थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है। कोई ज़्यादा इसमें बहुत बड़ा सोचने वाली चीज़ें नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है और एकदम आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? देखिए, आपने सुना होगा कि आज इंडिया के जीतने के चांस इतने हैं, आज बारिश होने के चांसेस इतने हैं, है ना, और आज ये होने के चांसेस इतने हैं, आज वो होने के चांसेस इतने हैं। सो चांसेस मतलब क्या है? चांसेस को अगर हम दूसरी मैथमेटिकल भाषा में अगर इसको बोलें तो उसको कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि आपने जब हम मैच खेलने जाते हैं तो हम सिक्का उछालते हैं, ठीक है, टॉस होता है। तो टॉस के टाइम क्या होता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ज़रा, हेड आने के चांस कितने हैं और टेल आने के चांस कितने हैं? 50-50 चांस है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, है ना। तो 50-50 चांस है। तो यहाँ पे जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो देखो टोटल कितने चांसेस हैं भाई, दो आउटकम, टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? दो हो गए, है ना। और अगर एक बार सिक्का उछालेंगे तो हेड आने की जो हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है पॉसिबिलिटी भाई? एक बार सिक्का उछालेंगे तो एक ही बार हेड आ सकता है, है ना, या फिर टेल आ सकता है। तो हेड आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ हेड कितनी हो सकती हैं? वन हो सकती हैं, ठीक है। और सेम वे पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टेल भी कितनी हो सकती है? वन हो सकती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी अगर आप देखो, सो प्रोबेबिलिटी इज़ नथिंग, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो ये जो है किसी भी इवेंट के जो टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, किसी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ या फेवरेबल पॉसिबिलिटीज़, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा, ज़्यादा इसको हम टिपिकल टॉपिक नहीं बनाएंगे, बहुत आसान सा टॉपिक बना के चलेंगे हम। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी, हेड आने के, हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार सिक्का उछालेंगे तो एक बार आ सकता है। और टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, टोटल आउटकम कितना है? टू है। तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो कितनी हो गई? 1/2 हो गई। सिमिलरली जो टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? टेल आने के पॉसिबल पॉसिबिलिटी कितनी है? 1। एक बार सिक्का उछालेंगे एक बार टेल आ सकता है। और टोटल कितने हो गए वहाँ पे? 2 टोटल आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 हो गई, टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो भी 1/2 हो गई, ठीक है, ओके। अब थोड़े से और क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। मान लेते हैं डाइस एक उछालते हैं हम, एक डाइस जो है, डाइस के कितने उसके कितने सरफेस होते हैं डाइस के? डाइस में जो है कितना होता है? 1 होता है नंबर, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5 एंड 6 होता है, ठीक है। उसको मान लो हमने एक बार हमने डाला, तो डाइस के जो 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी भाई? अगर डाइस एक बार हम डालते हैं, ठीक है, लूडो वूडो तो सबने खेला होगा ना, तो लूडो में जो डाइस यूज़ होता है उसमें 6 फेस होते हैं, इस तरह का होता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, क्यूब के जैसा होता है ना,
और यहाँ पे वन नंबर लिखा होता है, फिर एक यहाँ पे सिक्स लिखा होता है, यहाँ पे फोर, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे टू, और एक जो है और कौन सा रह गया, वन टू थ्री फोर फाइव लिखा होता है, ठीक है। तो इस तरह से उसके ऊपर जो है छः नंबर लिखे होते हैं, छः फेसेस होते हैं, छः नंबर लिखे होते हैं। तो आप मुझे बताओ ज़रा कि वन आने की पॉसिबिलिटी कितनी है भाई, वन आने की फेवरेबल कंडीशन कितनी है भाई। एक ही आ सकता है उसमें, या तो वन आएगा, या टू आएगा, या थ्री आएगा, या फोर आएगा। एक बार अगर डाइस डालोगे तो एक ही आएगा इनमें से, कोई सा ना कोई सा नंबर। तो आने की, वन आने की पॉसिबिलिटी जो है वन है, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, सिक्स है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हो गई वन आने की वो कितनी हो गई, वन बाई सिक्स हो गई। टू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, टू भी एक ही बार आ सकता है तो ये भी वन बाई सिक्स हो गई। थ्री आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ये भी वन बाई सिक्स हो गई। फोर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ये भी वन बाई सिक्स हो गई। फाइव आने की प्रोबेबिलिटी वन बाई सिक्स हो गई, और सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी भी वन बाई सिक्स हो गई, ठीक है। ओके, अभी हम थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। मान लेते हैं कि इस डाइस को अब हम दो बार उछालते हैं। इस डाइस को कितनी बार उछालते हैं, दो बार उछालते हैं, या हम दो डाइस को एक साथ मिलाते हैं, ठीक है। या अभी थोड़ा दो डाइस छोड़ दो, अभी सिंगल डाइस पे देखते हैं, सिंगल डाइस पे फोकस करते हैं। अब हम क्या कहते हैं कि इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, इवन नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। देखो, इवन नंबर अगर एक डाइस को फेंकते हैं तो इवन नंबर कितने हैं यहाँ पे, एक तो टू है, फोर है, और सिक्स है। तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कितनी है, थ्री पॉसिबिलिटीज़ हैं इवन नंबर आने की, और टोटल कितने हैं हमारे पास, सिक्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, वन बाई टू आ गई। और ओड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, ओड नंबर कितने हैं हमारे पास, थ्री हैं, टोटल आउटकम सिक्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा। समझ में आई बात। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि कितने उसके फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं, कितने उसके टोटल आउटकम्स हो सकते हैं। तो उनको दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो इस तरह से आता है प्रोबेबिलिटी। और हमेशा आपको ध्यान रखना है, अभी इसमें बताओ जीरो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जीरो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जीरो तो आ ही नहीं सकता। तो फेवरेबल आउटकम जीरो हो गए, टोटल सिक्स हो गए, तो कितना हो गया, जीरो हो गया, है ना। और अगर हम कहें कि भाई वन से लेके सिक्स तक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई सा भी नंबर आ जाए, फोर फाइव सिक्स, इनमें से कोई सा भी नंबर आ जाए, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है उसकी, भाई कोई सा ही तो सिक्स आ सकते हैं, सिक्स 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 में से अगर कोई सा भी लेके आना है नंबर, तो अगर डाइस फेंकते हैं तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो उसके छः पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वन आएगा, टू आएगा, थ्री फोर फाइव सिक्स, छः के छः आ सकते हैं। और ये टोटल आउटकम कितना है यहाँ पर, सिक्स है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, वन हो गई। तो आपने एक चीज़ गौर की होगी यहाँ पर कि मिनिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़ीरो होती है, और मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है वो वन होती है, ठीक है। तो हमेशा जो पी किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आइदर ज़ीरो से बड़ी या ज़ीरो से बराबर हो सकती है, या फिर वन से बड़ी और वन से छोटी हो सकती है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखोगे चीज़ कि प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से बड़ी नहीं हो सकती और ज़ीरो से छोटी नहीं हो सकती है, कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है माइनस में नहीं जाएगी, ठीक है, समझ गए बात। ओके, तो अब हम जो पढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो उनको देखते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर वन दिया है आपका, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको बहुत टिपिकल नहीं बनाना है, और ये एग्ज़ाम में आता है 100%, ठीक है। तो कॉइन एक टॉस किया जाता है 1000 times, तो कॉइन को 1000 times टॉस किया जाता है। तो जब हम कॉइन को 1000 times टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो 1000 times जब हमने कॉइन को टॉस किया है तो क्या हुआ है, कुछ ऑब्जर्वेशन है भाई, टोटल टॉस जो हुआ है वो हुआ है 1000 times, और उसमें जो हेड आया है वो कितनी बार आया है, 455, और जो टेल आया है वो कितनी बार आया है, 545। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी,
हेड के फेवर में कितने बार आई है रीडिंग 455 times और सिक्का कितनी बार उछाला गया 1000 times, तो ये हो जाएगी हेड आने की प्रोबेबिलिटी। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 545/1000, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि अगर इनको हम जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 1। तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी, देखो ये पीटी क्या है, पीटी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी और हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये हो गई हेड आने की प्रोबेबिलिटी और ये होगी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो आंसर कितना आता है हमारा, 1 आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। एक कॉइन है जो उसको 500 times जो है उसको उछाला जाता है। कॉइन आर टोस्ट साइमल्टेनियसली, टू कॉइन्स हमने साइमल्टेनियसली उछाले कितनी बार, 500 times, ठीक है। और कितने हैं, टू कॉइन्स को हमने 500 times जो है टोस्ट किया एंड वी गेट टू हेड जो मिले हमें कितने बार मिले, 105 times मिले टू हेड। और वन हेड कितनी बार मिला, 275 times। और नो हेड मिला हमें 120 times, ठीक है। ये उसने क्वेश्चन में दिया है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट। तो टू हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, टू हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब अगर इसको हम E1 मान लें, इसको E2 मान लें और इसको E3 मान लें, अगर ये इवेंट को हम E1, E2, E3 मान लें, तो PE1 कितना हो जाएगा, PE1 मतलब टू हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 105 इसके फेवर में है और टोटल कितने हैं 500। इसी तरह से PE2 आ जाएगी, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी 275/500। इसी तरह से PE3 आ जाएगी, 120/500। PE3 क्या है, कोई भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो हो जाएगी 120/500। इसको डिवाइड करके आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तीनों को अगर ऐड करेंगे हम, तो ऐड करने पे हम देखेंगे कि आंसर हमारा 1 आता है, ओके। अब हम फटाफट से एक टेबल बनाते हैं, टेबल के माध्यम से कुछ सीखेंगे। एग्जांपल नंबर है 3। थर्ड एग्जांपल में उसने टेबल बनाई है एक, तो टेबल में क्या है, यहाँ पे है आउटकम, ठीक है, और इसमें दिया है फ्रीक्वेंसी। आउटकम क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये है 179, 150, 157 और ये है 149, 175 और 190, ठीक है। ये कह रहा है कि डाई इज थ्रोन 1000 times, तो टोटल आउटकम दे दिया उसने, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1000 times जो है उस डाइस को थ्रो किया गया है, टोटल आउटकम्स 1000 है। विद द फ्रीक्वेंसीज फॉर द आउटकम्स, 1 जो है वो 179 times आया है, 2, 150 times आया है, 3, 157 times आया, 4 आया 149 times, 5 आया 175 और 6 आया 190 times। तो अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 1 कितनी बार आया है, 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 179/1000 हो जाएगी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 150/1000 हो जाएगी। सिमिलरली आप इसी तरह से सबके आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो और सबको ऐड करोगे तो आंसर जो है 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने दो बातें सीखी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी हो सकती है और सब प्रोबेबिलिटी का जो एडिशन होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में भी कुछ इसी तरह टेबल दी गई है। 4 में कह रहा है ऑन वन पेज ऑफ ए टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 telephone numbers। तो अब वो कह रहा है कि डायरेक्टरी में जो है 200 telephone numbers हैं, तो यहाँ पे उसने इस तरह की टेबल दी है। टेबल को पहले बना लेते हैं फिर आपको मैं समझाता हूँ कि क्या किया है उसने।
तो यहाँ पे लिखा है डिजिट और यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी। डिजिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और ये है 0 डिजिट की फ्रीक्वेंसी इतनी है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी बार वो आ रहा है उसमें, उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 5 है 10 टाइम्स, 6 है 14 टाइम्स, ये 28 टाइम्स, 16 टाइम्स और 20 टाइम्स। तो ये कह रहा है ऑन वन पेज ऑफ ए टेलीफोन डायरेक्टरी देर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। वहाँ पे जो है 200 टेलीफोन नंबर है किसी एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर। उन 200 नंबर्स में जो डिजिट है उसका यूनिट डिजिट की बात वो कर रहा है खाली, कितनी रीडिंग ली है उसने, 200 रीडिंग्स ली है। तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट जीरो आने, जीरो वाले जो टेलीफोन नंबर है वो कितने हैं, 22 हैं। जिन टेलीफोन नंबर्स में यूनिट प्लेस पे वन है ऐसे टेलीफोन नंबर 26 हैं, 2 वाले 22 हैं, 3 वाले 22 हैं। ठीक है, तो समझ गए बात। ओके, अब ये कह रहा है कि विदाउट लुकिंग एट द पेज द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दीज नंबर्स, दैट इज़ द नंबर इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। 6 डिजिट का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 6 डिजिट हमारी ये है, इसके फेवर में कितने हैं, 14 है, टोटल कितने हैं, 200 है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 7/100, यानी कि 0.07 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। वो नंबर 6 होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.07 है। ठीक है, इसका मतलब समझ लो, मतलब क्या है कि 200 में से 14 बार ऐसा हो सकता है जब आप उसकी डिजिट जो है 6 होगी। ठीक है, ये मतलब है उसका। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं कि आउट ऑफ 100 होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि जितने जितने टोटल आउटकम्स होते हैं उसके हिसाब से हमें जो फेवरेबल आउटकम्स है उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद है एग्जांपल नंबर 5। द रिकॉर्ड ऑफ ए वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ द पास्ट 250 कंसेक्यूटिव डेज इट्स वेदर फोरकास्ट वर करेक्ट 175। 250 टोटल दिन थे उसके पास, 250 दिनों का फोरकास्ट उसने किया और उसमें ऐसा देखा गया कि 250 दिनों में से 175 डेज का जो फोरकास्ट था वो बिल्कुल सही था। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 250। टोटल जो उसने फोरकास्टिंग करी है वो कितनी करी है, 250 डेज की फोरकास्टिंग करी है। ठीक है, और राइट फोरकास्टिंग कितने बार हुई है, राइट फोरकास्टिंग हुई है 175 डेज। ठीक है, तो द रिकॉर्ड ऑफ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ पास 250 कंसेक्यूटिव डेज इट्स वेदर फोरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स। ये कर रहा हूँ मैं एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है उसका कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन ए गिवन डे इट वाज करेक्ट, करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। तो भाई राइट फोरकास्टिंग कितनी दिनों में हुई है, 175, तो 175 और टोटल कितने हैं, 250 हैं, तो इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 0.9 जो है प्रोबेबिलिटी है कि 7 आएगा ना, तो तो 0.7 ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें आपका वेदर बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा। ठीक है, अब दूसरे में कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट एट ए गिवन डे। मैंने क्या बताया था कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों को अगर ऐड कर दें तो 1 आता है आंसर। ठीक है, तो राइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0.7, और रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 में से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 0.3। तो रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आ गई 0.3। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स आपको करने हैं। सॉरी, अब पढ़ने वाले हैं हम एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, 6 देख लेते हैं। 6 में एक टेबल बनी है, टेबल में क्या है, डिस्टेंस इन किलोमीटर पहला ये है, दूसरा है फ्रीक्वेंसी। मैं पहले टेबल बना लेता हूँ फिर आपको समझाऊँगा क्या है इसमें। लेस देन 4000, इसकी फ्रीक्वेंसी है 20, और 4000 to 9000 इसकी फ्रीक्वेंसी है 210, और 9000 1 to
14,000, इसकी फ्रीक्वेंसी है 325 और मोर देन 1400, 14,000, इसकी फ्रीक्वेंसी है 445। ठीक है, अब ये है क्या टेबल, उसको देख लो पहले। ए टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर ए टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस। तो टोटल जो उसने केस स्टडी किए हैं, टोटल केसेस स्टडीड कितने हैं उसके पास, 1000 केस हैं। तो उन 1000 केस में उसने क्या पाया कि जो टायर रिप्लेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है, रिप्लेस होने की जो फ्रीक्वेंसी है, कि जो टायर लेस देन 4000 चला हो, ऐसे टायर 20 ही रिप्लेस होते हैं। अगर 4000 से 9000 की बात करें तो ऐसे 210 टायर रिप्लेस होते हैं, और 9001 से 14000 किलोमीटर के बीच में जो टायर रिप्लेस होते हैं वो 325 रिप्लेस होते हैं, और मोर देन 14000 जो है 445 टायर रिप्लेस होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। उसके बाद वो पूछ रहा है कि If you buy a tire of this company, what is the probability that it will need to be replaced before it has covered 4000 kilometer? 4000 kilometer से पहले उसके replace होने की probability क्या है? तो less than 4000 के पीछे replace होने की जो frequency है वो कितनी है? 20 है, और total कितने हैं? 1000 है। तो इसकी जो frequency, इसकी जो probability आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 20/1000। ये cancel हो गया, तो ये आ गया 50 आ गया, तो ये आ गया 0.01। कितनी आ गई? 0.01 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि वो लेस देन 4000 किलोमीटर जो है वो रिप्लेस होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी खाली 0.01 है। ठीक है, सॉरी 0.02। ओके, तो ये पहले वाला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। मोर देन 9000 किलोमीटर पर रिप्लेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मोर देन 9 क्या होगा, 325 प्लस 445, ये भी तो मोर देन 9000 है, ये भी मोर देन 9000 है, तो टोटल कितना हो गया, 325 प्लस 445, और टोटल कितना है उसका, 1000 है। तो इतनी प्रोबेबिलिटी आ गई कि टायर आपका 9000 से ज़्यादा रिप्लेस होगा, 9000 चलने के बाद रिप्लेस होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। इसको ऐड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.77। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14000 किलोमीटर। 4000 से लेके 14000 तक के बीच में जो इसका रिप्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? तो 4000 से लेके 14000 के बीच में जो फेवरेबल कंडीशन होगी वो कितनी होगी, 210 प्लस 325, और टोटल कितनी है, 1000 है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.535। ठीक है, अब देखो कई लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई इसको अगर ऐड करते हैं, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, तो टोटल आंसर जो है वो 1 से ज़्यादा बैठता है ना। लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब मैंने क्या कहा था कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का एडिशन जो है 1 होता है। ठीक है, तो ये जो इवेंट है एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री नहीं है। ओके, इसमें देखो जैसे इसके अंदर जो है ये वाली जो प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली, इसमें इसके और इसके दोनों के लिए ओवरलैप हो रहा है ना। लेकिन अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी, दो सारी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालोगे और सबको ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, तो यहाँ ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, उसी हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 7 हो जाएगा। 7 एग्जाम्पल भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। ओके, तो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। 8th एग्जाम्पल में भी एक टेबल है, देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। ओके, तो टेबल फटाफट से बना लेते हैं। एक कंपनी का बायोडाटा है ये, एज ऑफ ड्राइवर्स,
कुछ ड्राइवर्स वहाँ पे काम करते हैं, तो उनका जो एज है वो ईयर्स में लिखी हुई है, ठीक है। तो 18 से लेके और 29 की एक एज ग्रुप है, एक है 30 से लेके 50 का, और एक एज ग्रुप है अबोव 50, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक्सीडेंट इन ए ईयर, एक्सीडेंट इन ए ईयर, एक साल में होने वाले एक्सीडेंट का यहाँ पे जो है बायोडाटा है। क्या बायोडाटा है वो देख लेते हैं। ऐसे ड्राइवर जिन्होंने 0 एक्सीडेंट किया है, 1 एक्सीडेंट किया है एक साल में, 2 एक्सीडेंट किया है, 3 एक्सीडेंट किया है, और ओवर 3 है, ठीक है। तो ऐसे ड्राइवर 18 से 29 साल के जो ड्राइवर, ऐसे ड्राइवर हैं वो कितने हैं, 440। टोटल ड्राइवर कितने थे यहाँ पे, टोटल जो ड्राइवर्स का डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है, टोटल ड्राइवर्स थे वहाँ पे 2000। तो ये जो है टोटल ड्राइवर का डाटा है 2000, 1 एक्सीडेंट वाले 160 हैं, 2 एक्सीडेंट वाले 1110 हैं। किस एज ग्रुप में, 18 से 29 साल की एज ग्रुप में 3 एक्सीडेंट वाले 61 हैं, और ओवर 3 जो है वो 35 हैं। 30 से 50 की अगर एज ग्रुप देखते हैं हम, 30 से 50 में 5005 ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया, 125 1 एक्सीडेंट वाले हैं, 60 जो है 2 एक्सीडेंट वाले हैं, 22 3 एक्सीडेंट वाले हैं, और 18 3 से ऊपर एक्सीडेंट वाले हैं। अब वो 50 ऐसे लोग हैं, 360 जिन्होंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया है, 45 ऐसे हैं जिन्होंने 1 एक्सीडेंट किया है एक साल में, 35 ऐसे हैं जिन्होंने 2 एक्सीडेंट किया है, 15 ऐसे हैं जिन्होंने 3 किया है, और 9 ऐसे हैं जिन्होंने 3 से ज़्यादा किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बीइंग 18 to 29 ईयर, केवल इसी पे फोकस करना है हमें, ऑफ एज एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट इन 1 ईयर, 3 एक्सीडेंट इन ए ईयर, एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट इन ए ईयर, और क्लास उसकी कौन सी है 18 to 29, तो 3 एक्सीडेंट इन ईयर कितना आ रहा है, 61। तो कितना आ गया, 61 अपॉन कितने टोटल आउटकम्स थे आपके पास, 2000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 61 अपॉन 2000। सेकंड क्या कह रहा है वो, बीइंग 30 to 50 ईयर्स, अब बात कर रहे हैं किसकी, 30 to 50 ईयर्स की, एंड हैविंग 1 or more एक्सीडेंट इन ए ईयर, या तो एक एक्सीडेंट हो या एक से ज़्यादा एक्सीडेंट हो। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे, या तो एक या एक से ज़्यादा, इसका मतलब ये सारे ऐड हो जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18 अपॉन 2000, क्लियर है। तो इतना आ जाएगा आपका सेकंड आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। थर्ड में क्या पूछ रहा है, हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ 1 ईयर के दौरान, ठीक है। तो ऐसे ड्राइवर कितने हैं, ये वाले ड्राइवर ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया एक साल के अंदर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी थर्ड वाले की, तो 440 प्लस 505 प्लस 360 और डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है। तो जो भी आंसर आ जाएगा उसकी हो जाएगी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी जो है टॉपिक है ये, इसको इजी ही बना के रखना है, कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं करना है। एग्जांपल 9 दिया है उसने, 9th एग्जांपल भी आपका उसने दिया है कि एक टेबल है कोई 14.3 एक्सरसाइज एग्जांपल 4 चैप्टर 14 में कोई टेबल 14.3 दी गई है, तो उस टेबल को भी आपको इसी तरह अरेंज करना है। और उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटीज़ क्या होंगी, ठीक है। तो वो टेबल बना लेना और प्रोबेबिलिटी आप बना लेना। एग्जांपल 10 बड़ा सिंपल है, उसको भी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा आपके हिसाब से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट वाइज देखोगे तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। ये टॉपिक ही बड़ा सिंपल दिया गया है, ठीक है। तो टेबल 15.1 क्या कहती है कि एक बैग रखा है, बैग के अंदर नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड, ठीक है, ये डेटा हमारे पास है। तो फर्स्ट बैग है, बैग कितने हैं टोटल, 5 बैग हैं, 5 बैग के अंदर सीड्स रखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड पहले बैग में 40 हैं, दूसरे में 48 हैं, तीसरे में 42 हैं, चौथे में 39 हैं, पांचवे में
41 है, ठीक है। तो ये कह क्या रहा है, 50 सीड्स वर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीड्स। टोटल जो है वो 50 सीड्स सेलेक्ट किए गए 5 बैग के अंदर से रैंडमली लिए गए एंड वर कैप्ट अंडर स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशंस फेवरिंग टू जर्मिनेशन। आफ्टर 20 डेज द नंबर ऑफ सीड्स विच हैड जर्मिनेटेड इन ईच कलेक्शन वर काउंटेड एंड रिकॉर्डेड एज फॉलोस, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन, देखो टोटल जो सीड्स थे हमारे पास, टोटल सीड्स कितने थे हमारे पास, 50 थे, है ना। 50 सीड्स में से अगर पहले बैग की बात करूँ तो उसमें से जो जर्मिनेट हुए वो 40 हुए, दूसरे में जर्मिनेट 48 हुए, तीसरे में 42 हुए, चौथे में 39 और पांचवे में 41 जर्मिनेट हुए। तो अब ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बैग कितने थे हमारे पास, 5 थे। टोटल बैग्स कितने थे हमारे पास, 5 थे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ बैग्स इन विच मोर देन 40 सीड्स जर्मिनेटेड, कितने ऐसे बैग हैं जिसमें 40 से ज़्यादा सीड्स जर्मिनेटेड हुए। 40 से ज़्यादा वाले कितने हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, तो 3 ऐसे बैग हैं जिसमें 40 से ज़्यादा सीड जर्मिनेट हुए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, टोटल बैग जिसमें 40 से ज़्यादा सीड जर्मिनेटेड हुए वो 3 थे, टोटल बैग कितने थे, 5 थे। तो ये आ जाएगी पहली, आपकी पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3/5। सेकंड कह रहा है कि 49 सीड्स इन ए बैग, 49 सीड्स इन ए बैग कौन है भाई, 49 तो कहीं है ही नहीं, तो उसके फेवर में 0 हो जाएंगे, टोटल 5 हो जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसा कोई बैग ही नहीं है जिसमें 49 सीड हुए हों, ओके। उसके बाद कह रहा है कि मोर देन 35 सीड्स इन ए बैग, मोर देन 35 वाले कितने हैं, ये भी मोर देन 35 है, ये भी मोर देन 35, ये भी, तो टोटल ही सभी में मोर देन 35 है, तो 5/5 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। 15.1 एक्सरसाइज बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, इन्हीं बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर भी अगर कोई डाउट्स आपको आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिएगा, पूछिएगा अपने डाउट, और अगर किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर इस टॉपिक पे आप एक वीडियो बना दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए मैथ किंग मेकर।